अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सुहेला। आप देख रहे हैं सुहेला की रसोई। आज हम बना रहे हैं ज़रदा दावत स्पेशल, ईद उल अज़हा दावत स्पेशल रेसिपी। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1.25 गिलास गैलेक्सी राइस ले लिया है, अच्छे से वॉश करके 30 मिनट के लिए मैंने भिगो दिया, सोक करके रख दिया। 1 लीटर पानी लेके 3 तेज़पत्ता, 3 लौंग, 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े ये ऐड करेंगे और पानी का बॉयल आने तक वेट करेंगे, फिर चावल ऐड कर देंगे। ज़रा सा नमक ऐड करेंगे, 1/2 स्पून। नमक डालने से ज़रदे का टेस्ट खिल जाता है, टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। चावल को बॉयल आने तक वेट करेंगे, चेक कर लेंगे। हमें 90% तक चावल को कुक करना है, 1% कनी हमें रहने देनी है। चावल हमारे हो गए, गैस मैंने बंद कर दिया। 1/1 स्पून मैं इसमें से निकाल लूँगी। 2 पिंच फूड कलर रेड डाला, 2 पिंच ग्रीन कलर, थोड़ा सा यही गर्म पानी ऐड कर देंगे चावल का और इन्हें सोक करके रख देंगे। ठंडा पानी अगर हम डालेंगे तो चावल ये कैड़े हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, इसलिए हमने गर्म पानी इसका स्टार्च ही डाल दिया चावल का। इसे थोड़ी देर भिगा देंगे, इसी में मिक्स करके रख देंगे। और चावल जो हमारे ये बॉयल हो गए हैं, इनको हम वॉश कर लेंगे। इन पे हम ठंडा पानी चला देंगे, इनका कुकिंग प्रोसेस रोक देंगे। इन्हें स्ट्रेनर में निकाल के स्टेन करेंगे और वॉश कर लेंगे। ये मैंने कुछ गरम मसाला ले लिया, 8-10 छोटी इलायची, 2 लौंग, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े 2, और बड़ी इलायची के बीज, 1 मुट्ठी बादाम, 1 मुट्ठी काजू, 1 मुट्ठी नारियल, 1 मुट्ठी किशमिश, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ नारियल। ये चावल जो हमारे फूड कलर में हुए हैं, टूटी फ्रूटी और करौंदा, ये अच्छे से वॉश करके मैंने रख दिए। ठंडे हो गए चावल, ये पत्ते जो हैं उनको डिस्कार्ड कर देंगे, अब इनका कोई काम नहीं। 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल लेके ये मसाले ऐड करेंगे, इनसे खुशबू बढ़ जाती है, ये खुशबू के लिए ऐड करते हैं। चावल ऐड करेंगे और तह लगा लेंगे चावल और चीनी की। आधे चावल हम नीचे बिछा देंगे तली में, 1/2 गिलास चीनी ऐड कर देंगे, सारे में फैला के डालेंगे, आधा रोक लेंगे, ऊपर से फिर एक चावल की और तह लगाएंगे। सारे चावल ऐसे ही लगा देंगे, 2 पार्ट में हमने तह लगाई है चावल की। चीनी ऐड कर देंगे, अच्छे से फैला देंगे। 1 लेमन स्क्वीज़ कर देंगे, 1 लेमन के 2 पीस करके इसमें अच्छे से निकाल के डाल देंगे उसका रस। इससे खट्टापन नहीं आएगा, चावल इससे टूटते नहीं और टेस्ट बढ़ जाता है जरदे का, ये ज़रूर ऐड करें। अगर मौसम होता है तो ऑरेंज का, हम ऑरेंज ज़्यादा ऐड करते हैं, भटियारे भी यही करते हैं। और अगर ऑरेंज का मौसम नहीं होता तो नींबू का रस ऐड करते हैं। और इसका ये मैंने थोड़ा सा पेल भी थोड़ा सा ग्रेटर से ग्रेट करके ये ऐड कर दिया, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। मिक्स कर देंगे, चीनी को ऊपर नीचे कर देंगे, चीनी हमारी घुलनी शुरू हो गई है। मीडियम फ्लेम पे हमने रखा था इसको चीनी घुलने के लिए, अब चीनी घुल गई है, फुल फ्लेम कर देंगे और पानी खुश्क होने तक हम पका लेंगे मीठे में इसे, फीके चावल को। ये स्ट्रेन कर लेंगे, लाल हरे चावल जो हमने कलर किए हैं इन पे पानी चला देंगे, कटोरी में पानी डाल के इन पे डाल देंगे और सादा पानी से और अच्छे से वॉश कर लेंगे। चावल हमारे हो गए, अभी पानी है, फिर भी अभी बहुत पानी है इसमें। इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे इस टाइम पे, ड्राई फ्रूट भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। चम्मच चलाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर दें।
देखिए स्टाइल ज़रदा रेसिपी है, सारा वही रूटीन हमने उसी तरह से इसी तरीके से बनाया है। ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे हम और इसे मिक्स करके ढक के रखेंगे मीडियम फ्लेम पे। अभी इसमें पानी है, इसे दम होने रखेंगे। अभी पानी खुश्क नहीं हुआ, जब पानी खुश्क होगा फिर हम इसमें कलर वाले चावल और टूटी फ्रूटी और करौंदे ऐड करेंगे, केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, मैं शॉर्ट में वीडियो बनाती हूँ, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मैं नहीं ऐड करती अपलोड करती। ड्राई फ्रूट मिक्स करके कवर करके रखेंगे, थोड़ा सा और पानी खुश्क होने देंगे। चावल ये मिक्स कर लेंगे हम, चावल की तह लगा देंगे, ऊपर से डाल देंगे। इससे कलर ज़्यादा ख़राब नहीं होता सफ़ेद चावल का, अगर हम इस तरह से करके डालते हैं। टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे, करौंदे ऐड कर देंगे, 2 से 3 मिनट इसे कवर करके रखेंगे। केवड़ा वाटर अभी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसमें और पानी है। पानी 5 मिनट बाद अब केवड़ा वाटर ऐड करेंगे और बिल्कुल सिम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए सिर्फ रेस्ट पे छोड़ उस पे छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। एकदम खीला खीला ज़रदा बना है हमारा, मोती ज़रदा। इसको मोती ज़रदा या मतंजन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताएं कमेंट में। और मैंने केसरी ज़रदा भी बनाया हुआ है येलो वाला, वो भी ज़रूर विज़िट करना, लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूँगी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।